ennen turtua. Toni, siitähän se lähti tutun huudossa. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो बिकॉज नीरज चोपड़ा हैज वन अनदर गोल्ड एंड ये कुर्तानी गेम्स पोर्टन गेम्स कुर्तानी गेम्स में जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है सो कांग्रेचुलेशंस। और जुबैर साहब इवन ये जो भारत में जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान अनुष्का का जो खावंद है क्या नाम है उसका विराट 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 जैसे बाल कटवाते हो हैं नाई को जाके बोलते विराट कोहली वाला कट देना कभी बनना कभी गजनी है कभी बनना विराट कोहली है और मुझे पे बता उन्होंने का सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं इसलिए भारत से कंपैरिजन करती हूं। बहुत सारी चीजों में भारत से कंपैरिजन करते हैं जी okay. तो खेलों में क्यों नहीं कर सकते जिस तरह वो उसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं 6 करोड़ रुपए साल के इंडियन 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी हो जाता है। बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे हरमनप्रीत कौर ये वो मतलब इतने ज्यादा मंदाना मतलब अच्छी खासी खुश जो अब ये लोग मेडल्स जीत रहे हैं वहाँ की खवातीन और वहाँ के ये नौजवान ये 2010 ऑनवर्ड्स बाकायदा उन्होंने आइडेंटिफाई किया इनको ट्रेन किया इन पे इन्वेस्ट किया अब जाके उसके रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। तो अगर हम आज शुरू करेंगे ये नहीं कि परसों ही मेडल जीत के ले आएंगे। अगर कोई देख ही नहीं रहा किसी को पता ही नहीं है कि स्पोर्ट्स होती क्या है जेवलिन थ्रो फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी कौम ने देखी है जी। ना हैमर का पता है ना 100 मीटर स्प्रिंट का पता है ना वेट लिफ्टिंग का पता है ना किसी और चीज का पता है। लाला मैं आपसे बात अब करना चाहूंगी इस बारे में जिस तरह अर्शद ने अभी मेंशन किया नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरअज़्म हो गए थे हम भी कि हम अब अर्शद के लिए बैकिंग करेंगे और अर्शद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे हर चीज अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज पे बैठा हुआ है। जो कोच है नीरज चोपड़ा का ही इज नॉट जस्ट अ कोच बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है ही इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेज जेवलिन थ्रो के हवाले से। और डॉक्टर क्लॉस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी फतवात उनके अपने उनके पास भी हैं। सो जब मैं ये बात करती हूँ फैसिलिटीज़ की आउटस्टैंडिंग फैसिलिटीज़ जो कि यूएस में इस वक्त नीरज चोपड़ा जो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उनको साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कोच तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जी अर्शद नदीम भी उसी तरह की परफॉर्मेंस करें जब ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं यहाँ पर। सवेरा अर्शद की बात मैं सुन नहीं पाया था आवाज़ आ नहीं रही थी काश मैं प्रॉपर उसकी बात सुनता इसलिए कि एज अ प्लेयर मैं समझता हूँ कि प्लेयर की फीलिंग को जानता है पहचानता है। बाकी जनरल साहब की बात मुझे ज़रा क्लियर समझ नहीं आई कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है होने के बावजूद फिर क्या प्रॉब्लम है। I mean कि क्या हमने सिर्फ 1-2 बच्चे ही तैयार करने अगर खुद से करना है। अकरम साई साहब कि हमारे पास वो फैसिलिटीज़ उस तरह की नहीं है जिस तरह हम वर्ल्ड फैसिलिटीज़ की बात करते हैं हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज़ हैं क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज़ यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे पास ट्रैक जरूर है बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज वैसी हैं? मैंने जैसे कहा कि चूंकि सब लोगों को पता नहीं है कि जेवलिन के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ रहे हैं कि उसने कहाँ से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहाँ से आए हैं एक ही जगह से आए होंगे। तो ये इसकी जेवलिन जी आपने बात की वो कार्बन वाला जेवलिन जो बेस्ट इसको चाहिए है जो उसके पास है वही इसके पास है। अब दूसरी बात ये है सेकंड ये बात आ रही थी कि अच्छा जी तो बाहर से कोच क्यों नहीं यहाँ पे आ सकता ये क्यों इसको भिजवाना क्यों ज़रूरी है। तो नीरज चोपड़ा की आप मिसाल दे रहे हैं उसका कोच क्यों नहीं आ गया इंडिया में वो क्यों अमेरिका बैठा हुआ है उसको क्यों पहले जर्मनी या फिनलैंड भिजवाया गया। ये देखिए ये हमारी गेम है हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। ये इतनी मट्टी जरखेज है कि बगैर किसी सरपरस्ती के बगैर किसी कोचिंग के वो तमाम लोग इतना करीब पहुंच गए। लेकिन अगर जिस तरीके से इंडिया में नीरज को मिली थी सपोर्ट या और दुनिया के अंदर होता है जर्मनी ने जितने पैसे खर्च किए हैं हम सोच भी नहीं सकते। तो वो पता नहीं हमारे एथलीट शायद 3-4 गोल्ड मेडल ले आते हैं
उनकी तैयारियां होती, ये नहीं है कि पैसा, हमारे पास सिस्टम नहीं है। देखें अगर हम पैसा भी लगाते हैं किसी जगह पे जमा करते हैं, मैं इन चार पांच लोगों से कहता हूं कि जाइए जरा जमा करते हैं, हम पैसा जाके सड़कों पे भी जमा कर लेंगे, ये नहीं पता कि वो पैसा जाएगा कहां पे, वो यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। ये इतने बड़े सवाल जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आपने सुना होगा हमारे एक दोस्त हैं उड़ीसा भारत से शो का हिस्सा थे और उन्होंने ये बात कही कि 10 अकेडमीज हैं एथलेटिक्स की सिर्फ इंडिया में। आप जरा अंदाजा करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। वो नीरज तकरीबन 6 करोड़ रुपए साल के कमाते हैं, 6 करोड़ रुपए साल के इंडियन, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी हो जाता है। अब कितना बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज से कि जब आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होते हैं और प्रॉब्लम्स में आप तरबियत कर रहे होते हैं, एक खिलाड़ी तरबियत कर रहा है कि जिसको सारी दुनिया में ट्रेनिंग का मौका हासिल है, एक खिलाड़ी तरबियत हासिल कर रहा है कि जो दूध के लिए पैसे भी जो है ना वो जरा देना जरा अम्मी जरा लेके जाता है, तो कितना बड़ा फर्क पड़ जाता है। शुक्रिया नसीम भाई। देखिए हमने अभी करना क्या है, अब ये चीजें करना क्या है ये तो आगे करते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे तैयारी कर सकता है, मैं एथलीट के दिल से पूछ रहा हूँ, इन हालात में कैसे करेगा। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी सहूलतें उनको दी, उनको यूरोप भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हरियाणा से इनके ताल्लुक है नीरज चोपड़ा का, पानीपत में रहते थे ये हरियाणा के, वहीं से इनका ताल्लुक है। बजट डेफिनेटली हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं किसी भी दूसरी कंट्री के साथ, स्पेशली इंडिया ने जितना बजट रखा और जितना वो खर्च करे, हम अपनी जो भी लिमिटेड बजट या अपने लिमिटेड सोर्सेज के अंदर हमारे पास पाकिस्तान में खर्च किया जाता है। रोमा सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कौन कसूरवार है फिर, क्या पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, एथलेटिक फेडरेशन, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अभी करोड़ों रुपए वापस किए हैं? देखिए हम किसी को भी ब्लेम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मसला ये है कि हम किसी एक को कहते हैं तो दूसरा कहता है कि जी वो है कसूरवार, जो भी एसोसिएशन फेडरेशन या गवर्नमेंट लेवल पे जो भी लोग हैं, हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी अपनी कैपेसिटी में वो क्या कर रहे हैं आज तक की पिक्चर ही क्लियर नहीं हो पाई है। एक दूसरे को क्रेडिट लेने के लिए तो हम सब आगे आ जाते हैं। एक चीज मुझे तंग किए जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज से चंद साल पहले मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें ये बात की कि जिन ममालिक के अंदर खेल का मयार अच्छा होता है उनकी मईशत, उनकी माशरत और सियासत भी अच्छी होती है। चंद साल पहले की बात, लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार ये कैसी बात कर रहा है। मैंने कहा साहब जितनी तरक्की याफ्ता खुशहाल अकवाम हैं वहाँ पर खेल यानी स्पोर्ट्स का मयार फर्स्ट क्लास, और जितनी अकवाम जिनकी तरक्की की रफ्तार जो है वो कम है, मईशत जो है सुस्त रवि का शिकार है, गरीबी ज़्यादा है, मुफलिसी ज़्यादा है, बेरोज़गारी ज़्यादा है, वहाँ खेल का मियार थर्ड क्लास। मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं आप सोच नहीं सकते, तसव्वुर नहीं कर सकते आप, लेकिन मैं फिर चुप हो जाऊँगा क्योंकि कौन सा आप लोगों ने सुधर जाना, आप लोगों ने नहीं सुधरना, कभी नहीं सुधरोगे आप, कभी ठीक नहीं होगे। 100 बंदे बदल लो, आपने कहा हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतेंगे, कप्तान चेंज कर दो, समझ तो आप गए होंगे, बदल लिए, क्या क्रिकेट की कारकर्दगी, 2% की क्रिकेट की कारकर्दगी नहीं, थर्ड क्लास गेम पेश करते हो, बच्चों का वो क्या होता है गिल्ली डंडा 2020, उसमें जीत के नाच गाना शुरू कर देते हो, हम 2020 जीत गए हैं, इंग्लैंड पे खुश हो रहे हैं, इंग्लैंड फुटबॉल में हार गया, बेटा तुम लोग क्रिकेट के अंदर जो अपना व्हाइट वॉश करवा के आए हो ना, इससे ज्यादा कोई नहीं होता। वैसे हर चीज के ऊपर तुम लोगों को इंडिया से तकलीफ है, यहां पर तुम इंडिया वाले की तस्वीरें लगा रहे हो, बाल कटवाने होते हैं तो वो जाके वो कौन सी एक्ट्रेस है, वो जो पीके की एक्ट्रेस थी उसका खामंद है ना, वैसे बाल कटवाते हो तुम लोग जाके, हैं अनुष्का का जो खामंद है, क्या नाम है उसका, विराट, विराट विराट जैसे बाल कटवाते हो, हैं नाई को जाके बोलते हो विराट कोहली वाला कट देना, कभी बनना कभी गजनी है, कभी बनना विराट कोहली है, और मुझे पे पता उन्होंने का सर्टिफिकेट हम लोगों से छीनना है। अरबाब इख्तियार का दरवाजा नहीं खटखटाया होगा क्या उस लड़की ने? बिल्कुल खटखटाया, फिर वो पुलिस के पास गई होगी ना कि आपके कोच मेरे साथ इस तरह का अमल कर रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। ऑस्ट्रेलिया में ये जबरदस्त किस्म की क्रिकेटर्स, वहां तो कोई ऐसी बात नहीं आती, इंडिया में ये अंबाल लगा हुआ है, नई नई लड़कियां आ रही हैं, अच्छी भी हैं यार, मैं तो चलो दूसरी तरह आपकी काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ,
हूँ, शिफाली वर्मा और वो जो दूसरी ओपनर है एक और, इस तरह की गर्ल्स आ रही हैं आगे यार, मतलब हरमनप्रीत कौर ये वो, मतलब इतने ज्यादा मंदाना, मतलब अच्छी खासी खुश शक्ल, वहां क्यों इस तरह की बात नहीं है? मतलब दे आर ट्रू प्रोफेशनल्स। आप जो है मतलब विमेन क्रिकेट में इस तरह के घटिया तरसे हुए लोगों को क्यों लेकर आते हैं यार, क्यों ये स्क्रूटनी करेंगे?